इसको अखनी बोलते हैं। जी जी जी, हम यखनी बोलते हैं, ये अखनी बोलते हैं। ये बिरयानी है मटन की, ये मटन अखनी है। अबरार भाई ये बताओ। साथियों अस्सलाम वालेकुम, आपको जैसा पता है कि मैं इस वक्त नागपुर महाराष्ट्र में हूँ और मैं इस वक्त अपने होस्ट के साथ हूँ, अबरार भाई हमारे होस्ट जो हैं। ये जो यहाँ पे खाना है, थोड़ा कैमरामैन को बोलूँगा आगे थोड़ा आइए, इसको ये लोग यखनी बोलते हैं। हम तो यखनी बोलते हैं क्योंकि हमको पता है खाली यखनी वहाँ पे ही होती है, यखनी वहाँ नहीं, ये ओवरऑल नाम है बकर, बट ये इसको अखनी बोलते हैं। जी जी जी, हम यखनी बोलते हैं, ये अखनी बोलते हैं। ये बिरयानी है मटन की, ये मटन अखनी है। अबरार भाई ये बताए, ये जो मटन अखनी है कि ये क्या होती है, इसमें क्या होता है? इसको दही के साथ में बनाया जाता है, मसाला डाला जाता है। बिल्कुल, हम भी दही के साथ बनाते हैं। हाँ, दही और इसमें घी का इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा, और घी के साथ में इसको बनाया जाता है। इसको रोटी के साथ खाते हैं? इसको रोटी के साथ खाते हैं। और ये मटन बिरयानी? हाँ, तो पता। और इस अखनी की खासियत ये है कि ये सिर्फ एक ही दिन के लिए नहीं रहती। हाँ, इसको रह के 15 दिन एक महीना तक खा सकते हो। अच्छा। हाँ, ये खासियत है इसकी। खराब नहीं होती है? नहीं, खराब नहीं होती। हम डब्बे में, अगर फ्रिज में भी नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 15 दिन खट्टापन रहता है ना। खट्टापन रहता है। ये बोलते हैं कि खराब गसांगे, खराब नहीं होती है, ये खाते हैं। हमारी यखनी होती है, उसकी प्रिपरेशन भी दही से होती है, थोड़ा डिफरेंट होता है, इनका अलग होता है। ये क्या है, ये सलाद वाली क्या आइटम है ये सलाद? इसमें मैंने देखा सेब भी आपने डाला है जी। इसमें आपने, मैं देख रहा हूँ इसमें थोड़ा सा पोमोग्रेनेट भी है, अनार भी है जी, प्याज भी है, मिर्ची भी है। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको सलाद बोलते हैं। सलाद? दही सलाद। दही सलाद जी। इसमें फ्रूट भी पड़ता है, वेजिटेबल पड़ता है? इसमें फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी है। ये तो मटन बिरयानी है। ये क्या है ये वाली? ये मटन के साथ में बिरयानी। पहले ये बोलिए क्या है? ये दाल, दाल है। अच्छा, दाल है। इसमें आपने थोड़ा बघार वगैरह, टमाटर वगैरह डाल दिया आपका? मैक्सिमम आप रोटी ही खाते हैं ज्यादा यहाँ पे? जी हाँ जी, हाँ ज्यादा रोटी खाते हैं। तो ये रेगुलर खाना आपका यही होता है कि और भी कुछ चीजें हो, सब्जियां होती हैं, बाकी चीजें? सब्जियां होती है, दाल होती है, हम लोग दाल हर सब्जी के साथ, सब्जी के साथ दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं जी, डेली जी, रोटी सुबह भी शाम भी जी। देखिए रोटी खाते हैं यखनी के साथ, हम यखनी चावल के साथ खाते हैं, ये रोटी के साथ खाते हैं, बट यखनी वहां पे भी है, यखनी यहाँ पे भी है। हमें पता था शायद यखनी कश्मीर में, यखनी यहाँ पे भी है, मटन बिरयानी भी है, हमने सलाद भी देखा। ये कल्चर है इनका। उवैस साहब आप थोड़ा बताइए जी। हमारे यहाँ अक्सर मतलब स्पेशल ओकेजन पे और जब भी मेहमान वगैरह आते हैं तो हम लोग ऐसे बिरयानी खिलाते हैं, और बिरयानी यहाँ की जो बनती है उसे काफ़ी टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं। माशाल्लाह। और मतलब इसको पहले दही में उसको भिगाते हैं गोश्त को, उसके बाद में चावल डाल के वो उसको दम देते हैं, तो कुल मिला के 5 से 6 घंटे लगते हैं यहाँ की बिरयानी बनाने। अच्छा। और यहाँ की बिरयानी हम लोग ऐसा प्लेन नहीं खाते, हमेशा उसके साथ दाल का इस्तेमाल करते हैं। दाल खाते हैं बिरयानी? और एक से आपने दाल बनाई है? जी हाँ जी। और दही का एक मट्ठा बनाते हैं, और अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग बिरयानी दाल और मट्ठा रखते हैं। मट्ठा खाते हैं साथ। थोड़ा सा टेस्ट करूंगा मैं इस गोश्त के टुकड़े को, थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा आगे फोकस करे। बहुत टेंडर है, देखिए कितना टेंडर है, देखिए थोड़ा टेस्ट करूंगा फिर आपके साथ और बात करते हैं। अब्राहम भाई बहुत जबरदस्त है जी। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए सर, शुक्रिया बहुत बहुत।